दबंगई शब्द को हटा के हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं। यदि आपसे इनकी दोस्ती हो गई ना तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, आपके लिए प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। मैं इस चीज को सिरे से खारिज करता हूँ कि ये दबंगई दिखाते हैं जी। ओबीसी के जितने यदि 12-13 लोग भी निकले हैं तो उनमें मोर देन 50% गुजर कम्युनिटी से आए। जब आप शासन के खिलाफ रहोगे तो आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते, शासन से मिलने वाली सहूलियतें आपको नहीं मिल सकती। शासन प्रशासन के लोग आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे और आपको परेशान करेंगे। हम पे तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था, हम मतलब क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए थे। बताइए आप कैसे मुख्य धारा में जुड़ेंगे। देश आजाद हुआ, हमारी सरकार बनी, सरकार ने वो क्रिमिनल एक्ट खत्म किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और जैसा कि हम हर बार आपको एक नई वीडियो के साथ दिखाते हैं, आज आम से खास की एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें चौधरी चंद्रपाल सिंह कसाना जी हैं, भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं दिल्ली में। सर स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं थोड़ा सा व्यूअर के लिए आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएं। मैं चंद्रपाल सिंह कसाना एम हिस्ट्री एम कॉम बीएससी बीएड हूं। मेरा गांव धनकौर के पास रीलखा है जिसका मुख्य पूरा नाम डूंगरपुर रीलखा है। क्या देखते हैं कि आज ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं पढ़ाई के प्रति या पहले जागरूक थे इस टाइम? नहीं, पढ़ाई के प्रति रूरल एरिया में तो अवेयरनेस पहले कम थी जी। बहुत कम बच्चे पढ़ पाते थे, जिनके पेरेंट्स या गांव के लोग थोड़ा बहुत शिक्षा के बारे में जानते थे सिर्फ वही बच्चों को भेज पाते थे। इवन यहाँ तक लोगों को पता नहीं था कि अपने बच्चों को हमें ह्यूमैनिटीज दिलवानी है, साइंस दिलवानी है, कॉमर्स दिलवानी है। शहरों में जरूर पेरेंट्स बता देते बेटा तुम साइंस ले लो, उस समय साइंस का ज़्यादा क्रेज था। जो अच्छे बच्चे थे वो साइंस स्ट्रीम में चले जाते थे, जो उनसे दूसरे नंबर कॉमर्स में और तीसरे ह्यूमैनिटीज में। जबकि आज ऐसा है अच्छे टॉपर बच्चे भी ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं। तो आज कैसे अगर बात करें, हम गुर्जर समाज की बात करते हैं, तो क्या बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज की छवि आज भी एक होती है कि भाई दबंग लोग हैं, थोड़े से पढ़ाई लिखाई में कम रहते हैं। देखिए जहाँ तक दबंगई वाली छवि की बात है, यूपी में पढ़ा, दिल्ली में शिक्षक रहा, तो दबंगई शब्द को हटा के हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज करता हूँ कि ये दबंगई दिखाते हैं जी। ये दोस्ती के बड़े पक्के होते हैं जी। यदि आपसे इनकी दोस्ती हो गई ना तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, आपके लिए प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं जी। इसीलिए लोगों को लगता है कि दबंगई वाली बात है। लेकिन पहले शिक्षा हमारी गुर्जर कम्युनिटी में कम थी, किसान लोग थे हमारे, हमें यही पता नहीं था पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए। सोचते थे खेत है इसी में कमा लेंगे, एक आदमी इतना कमा लेगा कि रोजी रोटी आवश्यकताएं भी उस समय कम थी। आज गुर्जरों में शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन हमारी बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं। आप यूपी का ही देखें, पीछे हायर जुडिशरी का किसी सज्जन ने मुझे बताया कि ओबीसी में आते हैं जैसे गुर्जर कम्युनिटी के लोग, तो ओबीसी के जितने यदि 12-13 लोग भी निकले हैं तो उनमें मोर देन 50% गुर्जर कम्युनिटी से आए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यदि इसी तरह से गुर्जर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते रहे, बेटियाँ और बेटे, तो हम अगले 10-20 साल में और जो कम्युनिटी हैं उनके इक्वल पहुंच जाएंगे जी। जब गुर्जर की बात आती है तो गुर्जर कहते हैं ये बहुत पुराने वर्ड है, गुर्जर तो पहले से संस्कृति थी एक, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या है, कितना पुराना है ये? मैं क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा, मैं एमए हिस्ट्री भी हूँ, मैंने एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा काफ़ी। गुर्जर जो शब्द है, गुर्जर शब्द का अर्थ है इंग्लिश में एनिमी डेस्ट्रॉयर, शत्रु संहारक जी। काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद, 4 साल से मैं इस मामले में ज़्यादा खोजबीन कर रहा हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि पहले हमारे यहाँ जातियाँ नहीं होती थी, वर्ग थे जी। क्षत्रिय वर्ग, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र जी। ब्राह्मण नंबर वन पर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि ये पेशे के आधार पर थे, ये कोई जाति नहीं थी, जो जिस पेशे को कर रहा था उसको वही वर्ण का नाम
दिया जाता था। जातियां तो बाद में बनी। गुर्जर शब्द का एग्जिस्टेंस में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये शत्रुओं का संहार करते थे। इवन आपने प्राचीन इतिहास पढ़ो तो गुर्जरों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने और बाद के गुर्जरों ने सीमाओं पर अरब आक्रमणकारियों को रोक दिया था। उन्हें 300 वर्ष तक भारत में घुसने नहीं दिया। ये तो आपने पढ़ा होगा। और ये हमेशा शत्रुओं के खिलाफ खड़े रहे। देशभक्त बहुत पक्के हैं, तो इसलिए शत्रु संहारक को गुर्जर कहते हैं। बड़े अच्छे से आपने पूरा डिटेल में बताया, लेकिन जैसे बात बताई कि भाई गुर्जर समाज अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ भी लड़ा। लेकिन उसके हिसाब से आज अगर हम देखें गुर्जर समाज ने जो देश के लिए किया है, उस तरह से उनका वो फल तो मिल नहीं रहा है, तो क्या वजह मानते हैं उसके पीछे क्या हुआ? वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब ये मुस्लिम शासकों के खिलाफ थे, जब आप शासन के खिलाफ रहोगे तो आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते, शासन से मिलने वाली सहूलियतें आपको नहीं मिल सकती। शासन प्रशासन के लोग आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे और आपको परेशान करेंगे, तो आप बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए गुर्जर जितने भी थे पहाड़ों में, जंगलों में जाके बसे, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। लोग उनको ये कहने लगे चोरी करते, चोरी वोरी नहीं करते थे, तो अपनी भैंस चराते थे, गाय भैंस चराते थे, बिजनेस करते थे, ये सब झूठे आरोप है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, उनका अपना कोई इतिहास नहीं लिखा जा सका। उनकी ये सारी जानकारी बहुत मुश्किल से जुटाई जा रही है। सारी इतिहास के विदेशी इतिहासकारों ने, देश के विद्वान इतिहासकारों ने ढूंढ कर निकाली ये बातें। तो अब जाकर हम पे तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था, हम मतलब क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए थे। बताइए साहब कैसे मुख्य धारा में जुड़ेंगे? देश आज़ाद हुआ, हमारी सरकार बनी, सरकार ने वो क्रिमिनल एक्ट खत्म किया, जब जाकर मुख्य धारा कहीं ना कहीं देश 47 में आजाद हुआ, लेकिन भारत का गुर्जर तो 1952 में जब ये एक्ट खत्म हुआ तब आजाद हुआ, जब आजाद हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया भारत के गुर्जर समाज के लोगों के सामने अपनी बात रखी। तो ऐसी ही गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।